Hello friends, welcome to my YouTube channel Healthy and Tasty Foods में. Friends, आज हम बनाएंगे बटर गार्लिक नान, जो कि बहुत ही एक फेमस रेसिपी है. तो चलिए बनाते हैं बटर गार्लिक नान. गार्लिक नान बनाने के लिए हम 1 kg मैदा लेंगे, 1 स्पून सॉल्ट, 1 स्पून शुगर, 1 स्पून ऑयल, 1 बॉल फ्रेश कर्ड, 20 बेकिंग सोडा, क्रश्ड गार्लिक. अब ये सारे हम मैदा में मिक्स करेंगे. मैदा में सारे सारे इंग्रेडिएंट जो मैंने मैदा में मिक्स किया था सारे अच्छे से मिक्स हो गए हैं. देख सकते हैं. अब हम थोड़े थोड़े पानी मिला के एक अच्छा नान का अच्छा ड्रिंक तैयार करेंगे. दूध ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए, सॉफ्ट रहना चाहिए. इस तरह सारे अच्छे से मिक्स करें. देखिए एकदम रेडी हो गई है हमारी दोनों नान के लिए. देखिए अभी हम इसे अभी इससे नान नहीं बनाएंगे, उसको 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे ढक के, ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए और एक अच्छा नान हमारा बने. नान के ऊपर ये बटर का स्प्रेड बनाने के लिए हम ये बची हुई गार्लिक की क्रश गार्लिक की उसके ऊपर 1 स्पून बटर डालेंगे. शेप में देना है आप चाहें तो और कोई शेप में दे सकते हैं. ये नान की हमारी रेडी हो गई है. और इसमें हम थोड़ा सा वाटर लगाएंगे, पानी लगाएंगे छोटे हाथ के. देखिए इसे पानी में हमने लगाया और इस तरह सावधानी से उठाइए. और ये हमारे इसका माच में है इसको दे दीजिए करीब 5 सेकेंड तक. ये देखिए इतना बड़ा आप गोल लोई बना लिए नान के लिए. उसके बाद किचन का सरफेस में आप अपनी अपने चॉइस के अकॉर्डिंग इसको नान का शेप दे सकते हैं. फ्राई करेंगे, एक बार फिर से रखेंगे ताकि थोड़ी अच्छे से पक जाए नीचे. ये देखिए नीचे हमारे पकेंगे है. अब इसको हम गैस को गैस का फ्लेम हमने हाई रखा है और ये हम गैस के तरफ मोड़ के इस तरह रखेंगे और गैस का फ्लेम हम हाई रखेंगे और सावधानी से क्योंकि इसी में हमारा नान बन भी सकता है. आप चाहे तो गैस को कम भी कर सकते हैं. इसको हम सकते हैं कि अब थोड़ा सा प्रेशर दें ताकि वो अच्छे से पक जाए नीचे. देखिए अब हमने गैस बंद किया है. ये
देखिए हमने गैस बंद किया था और हम इसको देखिए एकदम रेडी है हमारे नान। और हम सजाएंगे और ये जो मैंने गार्लिक और बटर का मिक्सर किया था उसको इस तरह तो फ्रेंड देखिए हमारी नान एकदम रेडी है। बटर गार्लिक नान ये गर्मा गर्म आप सर्व कीजिए। तो फ्रेंड ये रेडी है हमारी बटर गार्लिक नान। आप अपने पसंद के किसी भी करी के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो ज़रूर बनाइए बटर गार्लिक नान।